Hey guys, I am Sonali and welcome back to my channel Following the Trend. आज मैं बात करने जा रही हूँ डार्क सर्कल्स के बारे में. मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि डार्क सर्कल के बारे में कुछ शेयर कीजिए, तो मैं उससे रिलेटेड आज एक वीडियो लेकर आई हूँ. पहले जान लेते हैं कि आपको डार्क सर्कल हो क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है. पहला कारण हो सकता है हेरिडिटी, यानी आपके फैमिली में किसी को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, आपके मम्मी पापा किसी को भी डार्क सर्कल की अगर प्रॉब्लम है तो ये आपके साथ भी होगा. और दूसरा कारण हो सकता है आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो, आप अच्छे से सो नहीं रहे हो. तीसरा कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर, यानी आप जब भी धूप में जा रहे हो तो आप सन ग्लासेस का यूज़ नहीं कर रहे हो. चौथा कारण हो सकता है मोबाइल स्क्रीन, आप बहुत ज़्यादा ही मोबाइल स्क्रीन देख रहे हो, उससे भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है. और पांचवा कारण हो सकता है कि आप पानी बहुत कम पी रहे हो, इससे भी आपके डार्क सर्कल बढ़ने के चांसेस होते हैं. अब मैं इससे रिलेटेड रेमेडी आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत वर्क करेगी, और आप इसको वीक में 4 से 5 बार कर सकते हैं अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं तो. और अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप 3 दिन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा. मैं यहाँ ले रही हूँ आधा खीरा और एक आलू. मैंने दोनों को अच्छे से पील ऑफ करके धो लिया. इसको ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे. आप चाहो तो आप मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हो. ग्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा. अब हमें इसे स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लेना है. छानने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा. अब हम लेंगे 2 कॉटन पैड्स. अब इसे इसमें डिप करेंगे अच्छे से, और जितना भी एक्स्ट्रा जूस है उसे अच्छे से स्क्वीज करके निकाल लेंगे. बहुत ज़्यादा जूस नहीं निकालना है, हल्का हल्का पानी रहेगा तब हमारे लिए अच्छा है. उसके बाद हम इसे अपने आँखों पर अच्छे से रख लेंगे, और 10-15 मिनट के लिए आप इसे लगा के लेट जाइए, इसे टच मत कीजिए. और अगर आपको लगता है कि ये सूख रहा है तो हल्का हल्का जूस आपके ऊपर से लगा सकते हैं. आप चाहे तो इसे आधा घंटा भी रह सकते हैं, ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा आपके आइज़ को. खीरा और आलू दोनों मिलकर आपके जो भी डार्क सर्कल हैं उन्हें लाइट करने में बहुत मदद करेंगे, और साथ ही साथ आपकी आँखों को एक ठंडक भी महसूस होगी. उसके बाद बचा हुआ लिक्विड आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. अगर आपको डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, तो ये उन्हें भी कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा. अब 15 से 20 मिनट बाद अपना आई से कवर हटा लें और जाके फेस वॉश अच्छे से फेस वॉश कर लें. कोई साबुन या फेस वॉश का यूज़ मत कीजिए, ऐसे नॉर्मल वाटर से. इसके बाद अपने आईज और फेस दोनों पर बादाम का तेल अच्छे से मसाज करते हुए लगा लीजिए. ये रेमेडी अगर आप लगातार 3 दिन करते हो तो 3 दिन में ही आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा. अगर मेरी रेमेडीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल.